बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना के जगपुरा चौकी के प्रभारी हेड कांस्टेबल मदन सिंह को प्रतापगढ़ एसीबी टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की इस कार्यवाही के बाद मोटागांव थाने में हड़कंप सा मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। प्रतापगढ़ एसीबी प्रभारी हेरम जोशी ने बताया कि फरियादी मुगाड़ा गांव निवासी भेरूलाल ने प्रतापगढ़ एसीबी कार्यालय आकर शिकायत की कि मेरे ट्रैक्टर टोली जो जगपुरा क्षेत्र में किराए से दी थी और उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद फरियादी ने थाने से लेकर चौकी दोनों पर परिवाद दिया पर कार्यवाही नहीं हुई। वहीं इस पर कार्यवाही के लिए फरियादी से पहले 5,000 रुपए लिए गए, फिर भी इसका काम नहीं किया गया और हेड कांस्टेबल द्वारा 10,000 रुपए की अतिरिक्त मांग की गई, जिसका हमने सत्यापन करवाया और हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों चौकी से गिरफ्तार किया गया। उसने रिपोर्ट दी थी कि कोई टोली उसने फैक्टर की टोली यहाँ इस क्षेत्र का रहने वाला नाना लाल को किराया दी थी 20 महीने पहले, जी सर, 4,000। जी सर, उससे किराया भी नहीं दिया और टोली खुर्द मुक्ति चल रही जी। तो उसकी रिपोर्ट उसने वहाँ प्रतापगढ़ एसपी ऑफिस की थी, पारसोला थाने में भी दी, वो बता रहा हमने हेड साहब को भी दी यहाँ पर। जी जी सर, तो पहले भी तभी टोली दिलवा देंगे, ये कुछ कोई 5-6 हज़ार की राशि ली उसका रिपोर्ट में लिखा है। जी जी, इसके बाद अभी वापस 10,000 की मांग थी जो आज कैट किया गया टोली दिलवाने की आवाज में नाना लाल से। जी जी, परिवादी मुगाड़ा निवासी मुगाड़ा भेरूलाल राशि ग्रहण की बाबूलाल से, उसका नाम हेरम जोशी।